हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय याद सीरीज़। पिछले हफ्ते जो याद को सुंदर बनाने का सबसे पहला स्टेप था वो हमने किया, मोटी मोटी सफाई करी पीछे के एरिया के, फ्रंट यार्ड की, और जो बैक यार्ड की फेंस थी जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी उसको साफ़ किया। अब देखते हैं कि हमने इस हफ्ते क्या क्या किया। शब्स ने इनको शुरू किया था क्योंकि हम पहले जो टूल्स लेके आए थे वो बहुत एक्साइटेड थे, वो नए टूल्स थे तो हमने इसको शर्ट किया था लेकिन वो बीच में ही छोड़ दिया था। लेकिन आज बिल्कुल सही दिन है ये करने के लिए। हाँ जी नव्या, तुम ऐसा करो, ये वीडर पकड़ो और तुम वीड निकालना शुरू करो। ओके, मैं श्रब्स जो उस दिन रह गए थे वो करना शुरू करता हूँ। ओके, तो एक बार वीड सारे निकल जाएंगे। एक बार मुझे बताओ तो सही निकालने कैसे। ये जो येले 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 देख रही हो ना, इनकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर इनको जड़ से ना निकालो तो ये फैल जाते हैं। बट इनको क्यों करना, अच्छे तो लग रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं, फैलते बहुत जल्दी हैं ये। उसके बाद जो नीचे ग्रास है उसके न्यूट्रिएंट्स बेसिकली ये चोरी कर रहे हैं। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, ठीक है, डोंट कोट मी ऑन दिस। ओके, तो अब मुझे एक बार सिखा दो कि करना क्या है। ओके, ये है, ठीक है, इसके एकदम रूट में जाके ओके इसको निकाला। ओके, ये देखो ये बिल्कुल रूट के साथ आ गया, ठीक है। ओके, सारी रूट आ गई इसकी। ओके, इसके बाद झाड़ना नहीं है इसको। अच्छा, क्योंकि झाड़ोगे तो इसके बीज गिर जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये सारी श्रब्स ट्रिम करता हूँ। ओके, उसके बाद तुम्हारी हेल्प करता हूँ, ठीक है। बट श्रब्स अच्छे से ट्रिम करना है, इनको अच्छे से हेयर कट देना है। हाँ, ऑब्वियसली। तो आगे एक बार देख लो हम क्या यूज़ करते हैं। ऑलराइट, चलो। ये हेज ट्रिमर है, शूम शूम, जो हम लेके आए थे ये प्रूनिंग करने के लिए, ब्रांचेस वगैरह काटने के लिए। ओके, हिंदी में बोला करो, प्रूनिंग मतलब सीधा बोला। मुझे नहीं पता प्रूनिंग हिंदी में क्या बोलते हैं। बेलों को काटना, यस। तो और ये गोडी वगैरह करने के लिए, ये भी वीड के लिए है। हमने खुरपा नहीं लिया, ये खुरपा है, ये खुरपा है। ओके, ये वीडर है, ये वीड निकालने के लिए। इसके साथ ये बहन है इसकी। ओके, अब मुझे नहीं पता कैसे यूज करना है, देख लेना। ओके, लेट्स गो। ये रेड सी तार किस चीज के लिए, ये इसके लिए। अच्छा, उसकी लंबी तार। और ये सब जो पड़े हुए हैं छलियां, ये बाद में करते हैं। एक बार ये सारा वीड निकाल दें, एक बार ये सब प्रेप कर देंगे तो उसको लॉन अच्छा करने के लिए ही है सारा। चलो ठीक है, फिर मैं अपना पहला स्टेप करती हूं, वीड कट करना। ओके, चलो ओप्स ध्यान से। चलो ठीक है, मैं लगती हूं अपने काम के, आप लोग अपने काम। हम घास को मेंटेन करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि जो जितनी भी एक्स्ट्रा घास है और जितनी भी वीड है वो निकालने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रा हालत दिखा देती हूँ। देख ही सकते हैं कि घास बिल्कुल मरा पड़ा है, इतने ज़्यादा वीड्स हैं और अगर इनको बाहर नहीं निकाला तो इस घास को बिल्कुल ही ख़राब कर देंगे। पहले मुझे लगता था कि ये येलो फ्लावर्स कितने सुंदर लगते हैं घास में, इनको कुछ उगाने की ज़रूरत भी नहीं, अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। वो तो मुझे अब जाके पता लगा कि ये इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं घास के लिए। और इनका प्रॉब्लम ये है कि अगर आज ये मेरे लॉन में दो है, कल को ये 20 हो जाएंगे। इतनी जल्दी ग्रो करते हैं कि अगर इसे नहीं निकालो ये पूरे घास को बिल्कुल ख़राब कर देंगे। यहाँ पे अपना काम छोड़ के मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि ये टूल मुझे भी चलाना है और मेरे को भी ये काटनी है। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं इसमें बहुत अच्छी होगी, लेकिन कुछ सेकंड ये टूल चलाने के बाद हर बार की तरह मुझसे ये छीन लिया गया, ये कह के कि मैं इसे अच्छे ढंग से नहीं कर रही। और यहाँ पे जो आज हमारा मेन काम था, मेरा काम ये था कि मुझे सारे वीड्स निकालने थे और मेरे हस्बैंड का काम था कि जितने भी श्रब्स थे उनको ट्रिम करना था। गंजा करना है, इसको ऐसे थोड़ा स्लोप तो बन जाए, ऐसे ढोल बना हुआ है अभी। ढोल तो ठीक है, मुझे अब लगता है कि करते करते हमें इसको पूरा ही कर देना गंजा। नहीं मतलब सीरियसली, इसको देखो और वो वाला देखो, वो आ जाएंगे ना उसके अंदर से। इसको लाइट कर रहा हूँ मैं अभी। चलो अच्छे से करो प्लीज, मुझे डाउट है कि आप इसको सारे, आपने देखो लिटरली इसको नीचे से पूरा गंजा कर दिया, जैसे मेरे बाल तुमने किए थे। आई शुड ऐसे जैसे आपने मेरे बाल किए। मुझे अपना काम बोरिंग लगने लग गया और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था एक एक वीड को निकालना। तो मैंने अपने हस्बैंड से जिद करी कि ये ट्रिम मुझे करने दो। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो इसमें काफ़ी अच्छे हैं और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसमें बहुत अच्छी होंगी। और सच्चाई ये थी, दोनों में से किसी को नहीं पता था करना कैसा है, दोनों ही तुक्के मार रहे थे। यहाँ पर मैंने ऐसे शुरू किया ये सोच के कि बस इस श्रब को तो मैं बहुत ही सुंदर बना दूंगी। मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था लेकिन मैंने ट्रिम करना शुरू किया। ट्रिम करने के बाद
फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने उसे और ट्रिम करना शुरू कर दिया। नहीं समझ आ रहा था कहाँ से ट्रिम करूँ तो नीचे से शुरू कर दिया, नीचे से अगर पता नहीं लगा तो साइड से ट्रिम कर दिया, फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो उसे और ट्रिम कर दिया। मतलब ये बात थी कि बस मुझे ये था कि बस इसको ट्रिम करना है और इसको काट काट के कम करना है, क्योंकि जो पहले बहुत ज़्यादा फैला हुआ था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो आई डोंट नो मैंने कैसे किया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कलाकारी दिखाई और वहाँ पर मेरे हस्बैंड लग गया है मुंडा काम करन। आई थिंक चंगा काम करूँ। गुड जॉब नवे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो। या कैमरे में अच्छा लग रहा हो। नहीं एक्चुअल में हमने अच्छा काटा, मैं ऐसी झूठ नहीं बोलती। ये भी कर दो, ये भी बहुत बड़ा हो गया, इसको भी कट कर दो एंड वो साइड भी कर दो। उसके बाद जब एक बार ये ट्रिम हो जाएंगे फिर वो भी देखते हैं, हमने से भी एक्स्ट्रा ग्रास निकाल सकते हैं। ओके पहले वीड निकाल लो। मेरे वीड यार टाइम भी बहुत ले रहे हैं। मैं क्या हेल्प करता हूं। चलो बट कोई ना, आप करो मैं करती हूं। ओके मेरा बस चले तो मैं पूरा हफ्ता लगा के ये बिल्कुल अच्छे से सब कुछ मेंटेन कर दूं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एक तो है कि ऑब्वियसली जॉब होती है तो मंडे टू फ्राइडे वैसे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, और कई बार सैटरडे संडे को पूरा बारिश होती है तब नहीं कुछ कर सकते। वही रीज़न है कि इसको इतना टाइम लग रहा है। आने वाले 4-5 दिनों में भी बारिश है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि आज के दिन में जितना मैक्सिमम हो सके उतना कर दे, लेकिन मुझे थोड़ा अपना हाथ जल्दी चलाना पड़ेगा। मेरे तो हो गया। आपको हो गया? अच्छा ही है। तुम्हारा कैसा चल रहा है? मेरा ठीक चल रहा है, आप देख सकते हो मार्च पे मैंने काफी एरिया आप देख सकते हो कि कैसे निकले हैं। ये कितना किया? तो इतने सारे हैं। बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। पहले मैं गलत कर रही थी, फिर मैंने YouTube भी देखा, लेकिन YouTube में भी कुछ इतना नहीं पता लगा, कर करके थोड़ा पता लग रहा कि कैसे जड़ से निकालें। टाइम लग रहा है काफी। स्किप कर सकते हैं स्टेप को? नहीं करना ही पड़ेगा। यस आओ फिर मदद कराओ, ये बहुत टाइम ले रहा है। खाना भी तो खाना है, अब खाना थोड़ी देर में खा लेते हैं। और अब पहले वो मतलब यार ये स्टेप कर देते हैं, क्योंकि फिर हमने उसके बाद मिट्टी वगैरह भी डालनी है ना, तो मिट्टी डालने से सौखी हो जाएगी। तुमने 30% तो कर दिया बस, और मैं तुम्हारे साथ लगता हूँ। ओके सारा खत्म करके। ओके बट मेरे को पहले पेड़ का करना है, पेड़ का सारा बहुत गंदा हो रहा है, आप डाल के मर्ज डाल। तो पेड़ का आपने करना क्या अभी? ये सारा एरिया साफ कर दोगे? तो इसमें तो फूल लगा हुआ है, ऐसा क्यों कि सारा एरिया साफ करना है? क्योंकि पेड़ के आसपास सारा साफ होना चाहिए। ओके फिर मैं वो सारा गंद भी उठाऊं अब। वीड साफ करने से पहले इंस्ट्रक्शन मिली कि ये जो पेड़ के पास वाला एरिया है इसको बिल्कुल साफ़ करना है। जो पहले था वो उसका कारण ये था कि पेड़ थोड़ा ऊंचाई पे था, तो मेरे हस्बैंड चाहते थे कि हम इसको प्लेन करें और पेड़ के आसपास कुछ नहीं होना चाहिए, पेड़ के आसपास बहुत ही क्लीन जगह होनी चाहिए। वही सबसे पहले हमने जो भी था उसको निकाला, पूरी मिट्टी निकाली, उसके बाद इसको लगाया। और फिर मेरे हस्बैंड को लग रहा था ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो इंची टेप लेके आया गया, उनको मेजर किए गए कि वो इक्वली डिस्टेंस है। उसके बाद इसके ऊपर काला कपड़ा बिछाया गया, जिसका कारण ये था कि वो अच्छा रहता है कुछ सोक करने में। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या रीज़न था। और उसके बाद जो फाइनल स्टेप था वो था उसके ऊपर मल्च। मल्च बेसिकली क्या है, लकड़े हैं, सॉफ्ट लकड़े हैं, वो बिछा दी। पर्पस ऐसा कुछ नहीं है, बट आई थिंक एस्थेटिक दिखने में अच्छा लगता है, वही पर्पस था। तो यहाँ पर हमारा ये स्टेप भी कम्प्लीट हुआ। ये काम देखने में बहुत ही सिंपल लगते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अब शाम हो चुकी है और वेदर फोरकास्ट में बारिश है, तो अगर बारिश हो गई तो हमें सारा काम रोकना पड़ेगा, क्योंकि हम बारिश में नहीं कर सकते। तो अभी तक हमने सारे वीड्स निकाल दिए, पेड़ का आसपास का एरिया क्लीन कर दिया, अपने श्रब्स कटिंग कर दिया, और अब हमने ग्रास को लेवल करने के लिए एक बार लॉन मोअर चला दिया, और यहाँ से हम अपनी ग्रास को साइड से कट कर रहे हैं। और ये जो अगला स्टेप है ये बहुत ही मेहनत वाला स्टेप है, दिखने में शायद आसान लग रहा हो, लेकिन पूरी फोर्स से यहाँ पे डेड ग्रास निकाली जा रही है, और आप हालत देख ही सकते हैं यहाँ पे। और प्लान में अब बदलाव आ गया। हम नहीं मानते कि बारिश हो, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है, एंड उसके बाद अब और उसके बाद अब पूरा हफ्ता बारिश है, सो इट्स बेटर कि आज ही सारे सीड्स और मिट्टी डाल दें, ताकि जो वो पूरा हफ्ता है उसमें हमारे घास थोड़ी आते। ओ भाई साहब, ओ बल्ले। और यहाँ पे पता नहीं ये गुस्सा है, थकावट है, क्या है कि बोरियाँ से फेंकी जा रही हैं, बट और देखो नमक अरुण। तो बस अब जल्दी से दो तरह की
सॉइल है, तो उन दोनों को मिक्स करके हमने ये दोनों सॉइल यहाँ पे अभी बिछानी है। वो कैसे बिछानी है, क्या करनी है, उसके इंस्ट्रक्शन ये जनाब देंगे हमें। और बारिश 15 मिनट में शुरू है, अभी किनमिन हो रही है, बट 15 मिनट में अभी ये बंद हो गई है, 15 मिनट में ये दोबारा शुरू हो जाएगी। तो उस 15 मिनट में हमें ये सब कुछ इंश्योर करना है ना। मैं चक दो काम हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज से पहले मुझे ये नहीं पता था कि घास को मेंटेन करने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें काम देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो इतना आसान होता नहीं है। डेड ग्रास निकालने के बाद, एक बार लॉन मोर फेरने के बाद, अब हम यहाँ पे जो डिफरेंट दोनों अलग अलग सॉइल थी उनको मिक्स करने के बाद, अब उसको हम पूरे अपने लॉन में बिखेर रहे हैं ताकि वो अच्छे से हर जगह में आ जाए। और एक पर्पज़ ये भी है कि वो लेवल नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे है, तो वो भी लेवल हो जाए। तो अगेन मुझे तो ऐसा लगता था कि यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार घास तो नेचुरली उग जाता है, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ करना पड़ता है। ये कौन से सीड्स हैं नव्या? ग्रास सीड्स। ओके, और ये क्या करेगा ग्रीन सा? देखो जादू। सो बेसिकली इसमें एक तो ग्रास सीड्स और एक फर्टिलाइज़र है। और मेरा सवाल ये था कि हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो हस्बैंड ने बताया था कि इवनली स्प्रेड हो जाए, तो अब इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे पूरा स्प्रेड करेंगे। जब अपनी लाइफ में अपने हाथ से कुछ करते हो ना, तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो उसका रिजल्ट चेक करने के लिए। यहाँ पे मेरे लिए सब कुछ पहली बार है, मैंने आज से पहले कुछ नहीं किया, और मुझे बहुत हैरानी भी होती है कि जान के कि इतना कुछ करना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम पे अच्छा भी लगता है कि मैं नई नई चीज़ें सीख रही हूँ। और यहाँ पे जब मैं ये बीज फेंक रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कब मैं देखूँगी कि घास आ रहा है, और अब शायद मैं हर दिन सुबह उठ के सबसे पहले ये देखूँगी कितना घास आ गया है। तो आप देख सकते हो, आई एम नॉट श्योर कि अगर आपको कैमरे में दिख रहा है, लेकिन बीज गिर रहे हैं। और ये है हमारे दिन का आखिरी स्टेप। सब कुछ करने के बाद, मिट्टी डालने के बाद, बीज डालने के बाद, ये है पिट मॉस। पिट मॉस बेसिकली क्या है कि ये मिट्टी को हेल्प करता है पानी को अब्सॉर्ब करने में। तो ये लास्ट स्टेप है हमारी आज की दिनचर्या के, और इसके बाद वी आर डन फॉर द डे। अब मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अगले हफ्ते के लिए, कि ये घास कैसा आएगा, और जो हमने किया है कि अगले हफ्ते इसके नेक्स्ट स्टेप्स लिए गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले हफ्ते मैं आपके साथ आऊँगी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय। एंड जाते जाते बिफोर एंड आफ्टर की थोड़ी सी झलकी आपके लिए।